शादी के 20 दिन बाद दहेज लोभी ससुरालियों ने गला घोटकर युवती को उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जनपद भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव भगतपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दहेज लोभी ससुरालियों ने दहेज न मिलने के चलते एक युवती को गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के परिजनों को सूचना दी गई। सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। आपको बताते चले, डिलारी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी मोबीन ने अपनी बेटी गुलिस्ता परवीन की शादी इस्लामी रीति रिवाज के साथ भगतपुर के गांव युवक रफीक के साथ 18 सितंबर 2020 को दान दहेज देकर शादी की थी, जिसके चलते कुछ दिन तक तो ठीक चला। फिर उसके बाद वह युवती को उसके ससुराल वाले 1,00,000 रुपए व बुलेट मोटरसाइकिल उससे दान दहेज में दोबारा से मांग करने लगे, जिसमें मृतका महिला के परिजन गरीब परिवार से हैं, जिसमें वह दोबारा से दहेज न देने के चलते आज दहेज लोभी ससुरालियों ने महिला को घर पर ही गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतका के परिजनों को जब जानकारी हुई तो मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। क्षेत्राधिकारी अनुप कुमार का कहना है कि जल्द ही इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आरोपी मौके से फरार है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सर, ये मृतका कौन थी आपकी? मृतका हमारे परिवार की थी, सुल्तानपुर मंडा से हमारी बहन थी। सर, ये क्या मामला हुआ जो गला घोट कर हत्या हुई है, इसमें क्या है? मामला ये है कि हमने 18/9 को हमने अभी शादी की थी और लॉकडाउन के हिसाब से हमने ज़्यादा बड़ी शादी नहीं करी थी, नॉर्मल परिवार है, नॉर्मल की शादी करी थी। उसके बाद से ये जो है परिवार वाले हमारे दिए हुए दान दहेज से ये खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने जो है हमारी बेटी को जो है गला घोट कर रात इसकी हत्या कर दी। अब आके हमने देखा है तो सब जो है बिछद मिला है, परिवार वाले को जो है पुलिस लेकर आई है, थाने बंद हैं, हमने रिपोर्ट लिखा दी है। हमें उम्मीद है पूरी पुलिस जो है नियमानुसार कार्रवाई करेगी और हमें जो है परिवार वालों को न्याय दिलाएगी। क्या नाम है सर आपका? जरीफ मलिक, एडवोकेट सदस्य जिला पंचायत। सर, भगतपुर क्षेत्र में जो एक परिजनों में महिला ने आरोप लगाया है कि महिला की गला घोट कर हत्या की गई, इसमें क्या है पूरा मामला सर? इसमें अभी तहरीर मिली है उनके परिवार के लोगों से और उस तहरीर के आधार पर मुकदमा उसमें पंजीकृत किया जा रहा है और मुकदमे के आधार पर उसमें विवेचना होगी। विवेचना में जो भी साक्ष्य हमें मिले हैं अभी और जो साक्ष्य आगे हम उसमें FSL की टीम के द्वारा जो हमें मिलेंगे उसके आधार पर उसमें विवेचना जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें के मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या फरार? अभी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा ये अरेस्टिंग और इन सबके बारे में, लेकिन ये है कि हाँ जो भी उसमें नामजद होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परिजनों ने मुकदमा पंजीकृत कराया जी? परिजनों ने कोई तहरीर वगैरह दी है? परिजनों ने तहरीर दी है, अब अभी मुकदमा लिखा जा रहा है। आप मेरे से बाइट ले रहे हैं, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है, पंजीकृत किया जा रहा है।